The English version of the same video is available at my channel, guys, and the link is given in the description box below. You can check it out. Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमरता रूपानी है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं और अपनी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस को किस तरह से अपनी रेज्यूमे में लिखें ताकि आपकी रेज्यूमे स्ट्रांग लगे। कनाडा में 3 से 4 टाइप्स की रेज्यूमेस बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल्स क्या है, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उस रेज्यूमे की जो मैंने खुद की बनाई है अपने वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेसिस पे, एंड इट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। और इस टाइप की रेज्यूमे में आपको ये सारे एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका प्रोफेशन, और आपको एक समरी बनानी होती है अपनी पूरी स्किल्स और एजुकेशन की, जिसे हम हाइलाइट्स भी कहते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और आपके टेक्निकल स्किल्स या फिर प्रोफेशनल स्किल्स। तो चलिए ये सारे एलिमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं मेरी खुद की रेज्यूमे पे। ओके, तो ये है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे जिसकी मैंने अभी बात की थी। ये मेरी खुद की रेज्यूमे है, मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज की है, जैसे कंपनी के नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ प्राइवेसी रीज़न की वजह से। तो चलिए इसका एक एक सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेरी रेज्यूमे में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है मेरा नाम अमरता रूपानी, और ये मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। एंड द फॉन्ट साइज इज़ 14 एंड द टाइप ऑफ फॉन्ट इज टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट का जो टाइप है आप वो अपने चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टाइम्स न्यू रोमन ही करें क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अच्छा लगता है। तो सेकंड जो सेक्शन है मेरी रेज्यूमे में वो है मेरा घर का एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। घर का एड्रेस जो होता है वो रेज्यूमे में आप इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें पता पड़ सके कि आप कितना दूर रहते हैं कंपनी से और आपको कितना टाइम लगेगा कम्यूट में अपने घर से ले कर काम तक आने में। तो इसलिए यहाँ पर एड्रेस हम ज़रूर ऐड करते हैं अपनी रेज्यूमेज में। लेकिन अगर आप कनाडा से बाहर से जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एड्रेस ना लिखें, क्योंकि आउट ऑफ कनाडा की एड्रेस देखते ही एम्प्लॉयर आपकी रेज्यूमे जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कैनेडियंस जो हैं कनाडा से ही एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहते हैं। तो लेट्स से अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से या फिर पाकिस्तान से, तो अगर आप एड्रेस ऐड नहीं करते तो कम अज़ कम एम्प्लॉयर जो है आपकी रेज्यूमे देखेंगे, आपकी स्किल्स देखेंगे, एंड यू नेवर नो, यू माइट गेट एन इंटरव्यू कॉल। तो एड्रेस लिखने की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बस ये लाइन ऐड कर लें कि आप विलिंग हैं उस शहर में रिलोकेट होने के लिए जहाँ पे आपने जॉब अप्लाई किया है। लेट्स से अगर आपने रिजाइना में अप्लाई किया है तो आप ये लाइन ऐड कर लें अपनी एड्रेस की जगह पे अपनी रेज्यूमे में। द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सो गाइज प्लीज़ प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। अगला जो सेक्शन होता है आपकी रेज्यूमे में वो होता है आपका प्रोफेशन टाइटल। ये टाइटल जो है आप कस्टमाइज़ करते हैं जॉब के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वालिटी इंजीनियर लिखा है, हालांकि मेरी डिग्री जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप टाइटल वही देते हैं। अब मेरे पास एज आई सेड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिग्री है, तो मैं चेक करूँगी NOC कोड में जाके कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स जो हैं वो कौन कौन से टाइटल्स लिख सकते हैं। तो सिंपली ये जो पेज है NOC का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लिया है, तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना टाइटल लिखूँगी इंडस्ट्रियल इंजीनियर और सर्च का बटन दबाएंगे तो ये मुझे मेरा NOC कोड दे देगा, और मेरा NOC कोड फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर इज़ 2141। तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिस्क्रिप्शन भी दे देगा और ये पॉसिबल जो भी टाइटल्स हैं जो मैं लिख सकती हूँ और इन जॉब पोजिशंस पर मैं काम भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेन ड्यूटीज़ भी मिल जाएंगी आपको कि आपको जॉब में इन टाइटल्स के नीचे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे जॉब पे। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि कनाडा में अंडर द प्रोफेशनल इंजीनियर्स एक्ट यू मे ओनली यूज़ इंजीनियर वर्ड इन योर जॉब टाइटल इफ़ यू होल्ड ए प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड PEng। क्योंकि एज एन इंजीनियर जॉब करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे केस में मैंने क्वालिटी इंजीनियर इसलिए लिखा है क्योंकि सामने ब्रैकेट में मैंने EIT लिखा है, दैट मींस इंजीनियर इन ट्रेनिंग। इसका मतलब कि मैं ऑलरेडी PEng के प्रोसेस में हूँ और मुझे मेरा लाइसेंस मिलने वाला है, और EIT देख के एम्प्लॉयर जो है वो समझ जाएंगे।
प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एक खुद में बहुत लंबी डिस्कशन है जो कि मैंने डिसाइड किया है अलग वीडियो में कवर करने के लिए। तो अगर आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग है और अगर आपके पास PEng नहीं है तो फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंजीनियर वर्ड देन यू मे वॉन्ट टू राइट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देन राइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस वेबसाइट और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज हाइलाइट्स और समरी। अब मैं ये कहूँगी कि ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही की सेक्शन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी पूरी स्किल्स की समरी बना के सामने रखते हैं एम्प्लॉयर के और इसी के बेसिस पे एम्प्लॉयर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो आपकी पूरी रेज्यूमे पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं, और इसी के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है और नहीं भी आ सकती। It should be focused on the job you are applying for and use the right keywords which are relevant to the job posting. So this is actually the summary of all your qualifications, your work experience, your degrees, your technical skills, your soft skills. तो आप ये कोशिश करें कि आपकी जो रेज्यूमे की जो हाइलाइट्स हैं या फिर समरी है वो शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और एम्प्लॉयर उसे कन्विंस हो सके कि आपकी स्किल्स कंपनी के लिए यूजफुल हैं। रेज्यूमे का जो अगला सेक्शन है उसमें आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस और गाइस इसमें आप अपनी जो रीसेंट जॉब है वो सबसे पहले लिखेंगे और डेट्स भी आप साथ लिखेंगे कि कब से कब तक आपने जॉब की है। तो मेरे केस में यहाँ पे मेरी जो लास्ट जॉब थी वो थी एज अ क्वालिटी इंजीनियर इन वन ऑफ द ऑटोमोटिव कंपनीज। आई हैव मेंशनड इट्स नेम, इट्स लोकेशन एंड ऑल्सो द डेट्स दैट इज स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट ऑफ माई जॉब और उसके नीचे मैंने बुलेट फॉर्म्स में अपनी जो जॉब ड्यूटीज़ मैंने परफॉर्म जो की थी अपनी इस लास्ट जॉब पे वो भी लिख ली हैं। और कोशिश करें कि आप अपनी जॉब ड्यूटीज़ में अपने जो रिजल्ट्स हैं या फिर अचीवमेंट्स हैं वो नंबर्स में शो करें, जैसे कि मैंने यहाँ किया कि मैंने कितना डिफेक्ट रेट कम किया या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इन हियर आई मेंशनड द रिजल्ट्स इन परसेंटेज फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड एट माई वर्क and I achieved 80% of the results. So something like this, because Canadian employers like to see results in numbers instead of generic description. और इसी तरह से आपने बाकी की जो भी जॉब्स की हैं वो भी आप लिस्ट कर देंगे अपनी जॉब ड्यूटीज़ के साथ, कंपनी के नाम, लोकेशन और स्टार्ट एंड कम्प्लीशन डेट्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप अपने प्रोफेशन के लिए जॉब ड्यूटीज़ क्या लिखें तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप NOC कोड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएं और अपना जो प्रोफेशन है वो लिखें या फिर NOC कोड लिखें। लेट्स से इफ यू आर IT स्पेशलिस्ट देन इट विल गिव यू अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द टाइटल्स दैट यू कैन यूज इन योर रेज्यूमे एंड जो भी यहाँ पे लिस्टेड ड्यूटीज़ हैं इन्हें आप कंपेयर करें उन ड्यूटीज़ से जो आप अपने जॉब पे करते हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी रेज्यूमे में अपनी जॉब ड्यूटीज़ अंडर योर जॉब पोजीशन ऐड कर लें। दिस वे इट विल हेल्प यू टू यूज़ द राइट कीवर्ड्स एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू शो रिजल्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स और जॉब ड्यूटीज़ इन नंबर्स बिकॉज एज आई सेड कैनेडियन एम्प्लॉयर्स लाइक टू सी योर अकम्प्लिशमेंट्स इन नंबर्स इंस्टेड ऑफ जेनेरिक डिस्क्रिप्शन। अब अगला सेक्शन जो है वो है एजुकेशन का, जहाँ पे आप सिंपली अपनी डिग्रीज़ या फिर डिप्लोमास या फिर आपका अगर हाई स्कूल सर्टिफिकेट है वो आप ऐड कर लें, जो भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीशन डेट है वो भी आप ऐड कर लेंगे, अपना स्कूल का नाम और सिटी एंड कंट्री नेम भी लिख लेंगे। और अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं तो आप ये वाला सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपनी रेज्यूमे में। और यहाँ पे मैंने एक और भी सेक्शन ऐड किया है प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, जहाँ पे मैंने अपनी टेक्निकल जो भी स्किल्स हैं वो लिस्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आजकल जो रेज्यूमेज़ हैं वो स्कैन होती हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि हेल्प करेंगे मेरी रेज्यूमे को एज़ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट जो आती है उसमें कीवर्ड्स जो यूज़ होते हैं उससे मैच हो जाते हैं, तो इसमें ये मेरी रेज्यूमे एम्प्लॉयर के सामने आ सकती है इन कीवर्ड्स के थ्रू। और आखिरी एलिमेंट जो मेरी रेज्यूमे का है वो है
the references available upon request because that I don't want to provide until the employer doesn't ask. इसके अलावा कुछ और भी सेक्शंस होते हैं रेज्यूमे में अगर आप ऐड करना चाहें तो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, योर वॉलंटियर वर्क, योर लैंग्वेज स्किल्स एंड हॉबीज. कुछ कंपनीज में लैंग्वेज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज के जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं और आपको वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ता है, तो ज़्यादा लैंग्वेजेस आना भी एक प्लस पॉइंट होता है, तो वो आप अपनी रेज्यूमे में ज़रूर ऐड कर लें. मैं भी कर लेती हूँ, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में मैं अप्लाई कर रही हूँ. और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आप अपनी रेज्यूमे में नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि आपकी एज, आपकी रेस, आपका मैरिटल स्टेटस या फिर रिलीजन, क्योंकि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको आपके टैलेंट के बेसिस पे हायर करते हैं, ना कि इन चीज़ों पर. अब आखिर में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाने के लिए. तो सबसे पहली टिप ये है कि आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप अपनी रेज्यूमे जो है जॉब पोस्टिंग के हिसाब से ही कस्टमाइज़ करें, यानी कि जो कीवर्ड्स आपकी जॉब पोस्टिंग में आए हुए हैं वही आप अपनी रेज्यूमे में भी ऐड करें अगर आपको वो स्किल्स आती हैं, ताकि स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपकी रेज्यूमे जो है वो फ़िल्टर हो जाए और इससे आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ सकते हैं. दूसरा ये कि आप अपनी जो ईमेल एड्रेस जो ऐड करते हैं वो प्रोफेशनल थोड़ी लगनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू मेक आईडी एट योर नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. और कोशिश करें कि आप अपनी रेज्यूमे जो है वो दो पेजेस से ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे लेंथी रेज्यूमेज पढ़ना प्रेफर नहीं करते लोग, अनलेस के आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. और दूसरी बात ये कि अपनी रेज्यूमे में जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं लगता. और रेज्यूमे के जो दो पेजेस हैं उसे स्मार्टली आप यूज़ करें, जैसे कि आपका फॉन्ट और आपकी जो स्पेस, वो सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आपका पूरा जो कंटेंट है वो दो पेजेस में एडजस्ट हो जाए. ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी रिगार्डिंग कैनेडा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स एंड एनी न्यू अपडेट. सो एनीवेज गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी जल्द से जल्द. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप फॉर यू गाइस. टिल देन यू टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन.